हेलो एंड नमस्कार स्टूडेंट, स्वागत है सभी का क्लास 10 इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो जो भी यहां पे स्टूडेंट है इनके लिए काफी इंपॉर्टेंट वीडियो है। ये वीडियो है प्रैक्टिकल फाइल 2022-23 के लिए। तो यहां पे किस प्रकार से प्रैक्टिकल फाइल बनाएंगे, क्या स्ट्रक्चर है, उसका पूरा एक्सप्लेनेशन मैं दूंगा और साथ में आपको एक डेमो फाइल रेफरेंस के लिए देने वाला हूं। उसके अलावा इसमें जो क्वेश्चंस मैंने इंक्लूड किए हैं वो भी आप कर सकते हैं, तो उसको भी मैं बताऊंगा कि किस तरीके से आपको प्रिपेयर करना है। तो चलिए देखते हैं, शुरू करते हैं ये वीडियो। और इसके डिस्क्रिप्शन में आपको एक ही लिंक मिलेगा, वो लिंक डायरेक्टली आपको ले जाएगा मेरे वेबसाइट आर्टिकल पे, जहां पे मैंने लास्ट में आपके लिए प्रैक्टिकल फाइल लिंक किया है। तो स्क्रॉल डाउन करिए, पढ़िए, अगर कोई डाउट है तो कमेंट करिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो हम अगर इस साल के सिलेबस की बात करें, पोर्शन की बात करें, तो वो कुछ इस प्रकार है। देखिए यहाँ पे आपको दिख जाएगा मैंने सारे टॉपिक यहाँ पे इंक्लूड किए हैं। तो प्रैक्टिकल फाइल जो है यहाँ पे तीन टॉपिक के ऊपर से आपको बनानी है। एक है आपका राइटर, सेकंड है आपका कैलसी जिसे कैल्क भी कहते हैं बहुत सारे लोग, और ओपन ऑफिस बेस। तो इन तीनों के ऊपर से आपको 5-5-5 ऐसे करके टोटल 15 क्वेश्चंस प्रैक्टिकल के करने हैं। तो आपके टीचर ने आपको अगर दिए हैं तो वो बना लीजिए, अगर वो नहीं है आपके पास तो आप अपने हिसाब से बनाना चाहते हैं तो ये तो भैया 15 क्वेश्चन मैंने यहाँ पे दिए हैं। सॉल्यूशन भी आपको नीचे मिलेगा, वो रेफरेंस के लिए है, आप उसको अगर यूज करना चाहे तो वो भी यूज कर सकते हैं। अब आपके टीचर ने आपको जैसे कहा है वैसे आप कर सकते हैं। यहाँ पे दो तरीके के प्रैक्टिकल फाइल मैंने अमूमन देखे हैं, जहां पे जो टीचर्स जनरली बनवाते हैं हम कंसीडर करते हैं। उसमें पहला जो है वो पहला मेथड ये है कि आप उसको हैंड रिटन बना सकते हैं। तो प्रोजेक्ट पेपर पे जो भी है क्वेश्चन उसको लिख करके आउटपुट स्क्रीनशॉट अटैच करने होते हैं, तो ये है। दूसरा तरीका है हार्ड कॉपी। तो हार्ड कॉपी मतलब जो भी है वो पूरा आपने जो जो काम किया उसको स्टेप वाइज लिखिए एक वर्ड फाइल में और उसका प्रिंट आउट सबमिट कर दीजिए, ताकि उसमें जो डॉक्यूमेंट है वो डॉक्यूमेंट का स्क्रीनशॉट भी आ जाएगा। तो ये दो तरीके है यहाँ पे। तो आपके टीचर आपको जिस तरीके से इन्फॉर्मेशन देते हैं, जिस तरीके के इंस्ट्रक्शंस दिए जाते हैं, उस हिसाब से आप यहाँ पे सबमिट कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं, मैंने मेरे स्टूडेंट्स को इस बार राइटिंग में दिया है ताकि वो राइट प्रोजेक्ट पेपर में लिखेंगे तो अच्छा रहेगा। इसलिए लिखना इसलिए है कि भाई प्रिंट आउट में क्या होता है, कभी कभी मेल से डायरेक्ट कॉपी पेस्ट करके भी स्टूडेंट्स सीधा जेरोक्स निकाल देते हैं और आगे वाले पेजेस जो इंट्रोडक्शन वाले पेजेस होते हैं वो थोड़ा चेंज कर देते हैं अपने हिसाब से, तो वो नहीं होना चाहिए। राइटिंग में उनको लिखना पड़ेगा तो वो खुद लिखेंगे और कुछ ना कुछ उनको भी यहाँ पे उनका इनपुट मिलेगा, वो चाहे किसी और से बना करके कॉपी करके लिखे लेकिन लिखेंगे तो यहाँ पे उनको कुछ ना कुछ फायदा होगा। तो इस तरीके से यहाँ पे कॉपी को वहां पे तो अवॉइड नहीं कर सकते, लेकिन जो बिना मेहनत के डायरेक्ट कंट्रोल सी कंट्रोल वी करके दे देते हैं वो थोड़ा यहाँ मिनिमाइज हो जाता है। तो लिखेंगे तो सारे क्वेश्चंस वो लिखेंगे और सबमिट करेंगे, तो इसीलिए राइटिंग बेटर है कंपेयर टू प्रिंट आउट। तो प्रिंट आउट भी एक्सेप्टेड है, अगर प्रिंट आउट भी आपके टीचर मांगते हैं तो यू कैन सबमिट इट। तो चलिए देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चंस मैंने लिए हैं, 5-5 क्वेश्चंस हर एक यूनिट में से। तो सबसे पहले बात करेंगे स्ट्रक्चर की। तो स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार से है, जो इस प्रकार यहाँ पे प्रैक्टिकल का पूरा असेसमेंट का स्ट्रक्चर है। देखिए प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन, तो जिस दिन आपका प्रैक्टिकल एग्जाम होगा उस दिन आपको एक प्रैक्टिकल एग्जाम यहाँ पे देना है, जहां पे राइटर क्वेश्चंस होंगे 5, स्प्रेडशीट क्वेश्चंस होंगे 5 और डेटाबेस के यहाँ पे 10 मार्क्स। तो यहाँ पे 5-5 क्वेश्चंस नहीं है, मार्क्स है। तो 5 मार्क का राइटर होगा, 5 मार्क का स्प्रेडशीट होगा और 10 मार्क का डेटाबेस होगा। तो ये एनुअल एग्जामिनेशन का है, अगर हाफ ईयरली में आपका प्रैक्टिकल एग्जाम कंडक्ट किया जाएगा तो हो सकता है कि 5 मार्क स्प्रेडशीट, 5 मार्क डेटाबेस या तो 5 मार्क राइटर, तो इनमें से कोई भी कंसिडर करके यहाँ पे आपके टीचर्स जो भी होंगे वो लेंगे, ताकि वो प्रैक्टिकल यहाँ पे इंटरनली असेस करना है तो वो अपने हिसाब से कर सकते हैं। तो ये यहाँ पे सीबीएसई का स्ट्रक्चर है एनुअल वाला। तो 50 मार्क्स में 20 मार्क्स ये बन जाते हैं, प्रोजेक्ट वर्क जो आपका रहेगा वो 10 मार्क्स का रहेगा। तो प्रोजेक्ट वर्क के लिए भी मैंने वीडियो बनाया है, आई बटन में या डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, तो वहां से भी आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से प्रोजेक्ट वर्क आप प्रिपेयर कर सकते हैं। प्रैक्टिकल फाइल जो है, प्रैक्टिकल फाइल जो हम इसी वीडियो में पूरा डिस्कस करने वाले हैं, उसके 10 मार्क्स है और वाइवा यहाँ पे 10 मार्क्स का वाइवा रहेगा। प्रोजेक्ट और प्रैक्टिकल फाइल के ऊपर से आपको पूछे जाएंगे क्वेश्चंस। तो इस तरीके से टोटल 50 मार्क्स का प्रैक्टिकल होता है। तो चलिए डिस्कस करते हैं प्रैक्टिकल फाइल के बारे में किस प्रकार बनेगी। तो देखिए पोर्टफोलियो बना सकते हैं आप, तो ये भी एक ऑप्शन है, या तो प्रैक्टिकल फाइल, पर मैं कहूंगा सबसे बेटर है प्रैक्टिकल फाइल, इसलिए मैं प्रैक्टिकल फाइल प्रीफर करता हूँ, बनवाता हूँ, ताकि पोर्टफोलियो में यहाँ पे डे बाय डे एक्टिविटीज वगैरह जो भी चीजें होती है उसको मेंटेन करना पड़ता है। प्रैक्टिकल फाइल में स्टूडेंट जो भी रिकॉर्ड मेंटेन करेंगे उसे सीधा सबमिट करेंगे लिख करके, तो ये डायरेक्ट हो जाता है। तो यहाँ पे जैसे जैसे सिलेबस फ्लो में चलता है उसके साथ साथ स्टूडेंट्स बना करके सबमिट कर सकते हैं, तो ये बेटर वे है। तो प्रैक्टिकल फाइल इज बेटर वे। कंटेंट प्रिंट आउट प्रैक्टिकल डन यूजिंग राइटर,
कैलसी बेस्ड विथ मिनिमम 5 प्रॉब्लम्स ऑफ ईच। तो यहाँ पे लिखा हुआ है जो सीबीएसई सिलेबस में है वही सेम यहाँ पे मैंने छाप दिया है, 10 मार्क्स का ये रहेगा। चलिए देखते हैं तो स्प्रेडशीट में जो जो लर्निंग आउटकम है उसके हिसाब से क्या क्या आपका क्वेश्चन बनता है। तो पहला क्वेश्चन मैंने बनाया है, देखिए, टाइप अ पैराग्राफ विद एटलीस्ट 100 वर्ड्स एंड क्रिएट बिलो गिवन स्टाइल्स। तो एक पैराग्राफ बना देना है आपको, टाइप कर देना है, उसके बाद उसको हेडिंग्स देने हैं प्रॉपर। तो हेडिंग्स यहाँ पे जो स्टाइल दी है, फॉन्ट टाइम्स न्यू रोमन साइज 24 कलर रेड, ये होगा। गिव द स्टाइल नेम ड्रीम हेडिंग, तो इसका नाम होगा ड्रीम हेडिंग, और क्रिएट स्टाइल ऑप्शन यूज करके आप इसको कर सकते हैं। तो ये पहला डेमोन्स्ट्रेट हो गया है क्रिएट स्टाइल। पैराग्राफ यहाँ पे है तो पैराग्राफ को ये देना है अप्लाई स्टाइल टेक्स्ट बॉडी फ्रॉम स्टाइल गैलरी। तो स्टाइल गैलरी में से बॉडी जो लिखा है वही स्टाइल आपको अप्लाई कर देना है, बाय डिफॉल्ट भी वही होता है ऑलमोस्ट, तो इसको अप्लाई करने की जरूरत नहीं रहेगी, लेकिन नहीं है तो बॉडी आपको अप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि आप जब हेडिंग ऊपर करेंगे तो नीचे हेडिंग ही आएगा, तो इसलिए उसको बॉडी में कन्वर्ट करना पड़ेगा। नेक्स्ट है कोट, अगर आपके पैराग्राफ में कोट आपको इंक्लूड करना ही है, अगर मगर नहीं है करना है तो कोट इंक्लूड करेंगे तो कोट का ये रहेगा ब्रॉडवे फॉन्ट साइज 16 कलर ब्लू अलाइनमेंट सेंटर। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। तो ये पहला क्वेश्चन है, और क्वेश्चन अगर आपको देखना है तो यहाँ लिंक मैंने ऑलरेडी दे दिया है, जा करके आप देख सकते हैं। तो इस लिंक को जैसे क्लिक करेंगे और क्वेश्चन जो है स्टाइल्स वाले वो खुल जाएंगे, उसमें से कोई भी कंसीडर कर सकते हैं आप। चलिए नेक्स्ट, इंसर्ट यूज एन इमेजेस इन द डिजिटल डॉक्यूमेंट। तो यहाँ पे देखिए इंस्ट्रक्शंस को पढ़िए, उस हिसाब से करना है। क्रिएट अ न्यू डॉक्यूमेंट इन राइटर टाइप अ पैराग्राफ। तो यहाँ पे सॉल्यूशन आप कैसे बनाएंगे, तो सॉल्यूशन पहले ओपन ऑफिस राइटर ओपन करिए, उसमें ये जो चीज की है वो कर दीजिए, तो वो स्टेप्स आपको लिखना है। तो यहाँ पे हेडिंग्स के लिए टाइपिंग होगा पहले, तो स्टेप वन टाइपिंग ऑफ पैराग्राफ एंड हेडिंग्स। फिर स्टाइल आपने कैसे बनाया उसके स्टेप्स लिखने हैं, क्रिएट स्टाइल फ्रॉम सिलेक्शन कमांड आपने कैसे किया उसके स्टेप्स। नेक्स्ट में पैराग्राफ जो बॉडी टेक्स्ट आप अप्लाई किया है तो वो बॉडी टेक्स्ट स्टाइल आपने कैसे सिलेक्ट किया वो, और थर्ड में कोट में आपने किस तरीके से फॉर्मेटिंग अप्लाई की और स्टाइल क्रिएट किया, तो उस हिसाब से रहेगा। तो वो आपको स्टेप्स लिख देना है, और लास्ट में जो आपका डॉक्यूमेंट बनता है फाइनल आउटपुट उसका प्रिंट आउट अटैच कर देना है। इंसर्ट यूज एन इमेजेस इन डॉक्यूमेंट, ये आपका लर्निंग आउटकम 2 है। यहाँ पे देखिए क्रिएट ए न्यू डॉक्यूमेंट इन ओ राइटर एंड टाइप अ पैराग्राफ, कोई भी पैराग्राफ यहाँ नीचे दिया है ऐसा लिख सकते हैं आप। तो यहाँ नीचे दिया है पैराग्राफ वही आप उठा लीजिए, तो इसको टाइप करना है केमिकल इक्वेशंस आर यूज्ड टू ग्राफिकली, तो ऐसे करके ये जो भी है पैराग्राफ टाइप कर दीजिए। इंसर्ट अ पिक्चर ऑफ योर चॉइस, कोई भी पिक्चर यहाँ पे जैसे मैंने ये कुछ डाला है पिक्चर, ऐसा पिक्चर आप सिलेक्ट करके डाल सकते हैं आपके पैराग्राफ के अकॉर्डिंग। एडजस्ट द पिक्चर एट द टॉप ऑफ द लेफ्ट टू द पैराग्राफ, तो ये टॉप ऑफ द लेफ्ट पैराग्राफ में है वैसे उसको एडजस्ट करना है यहाँ पे। एंड इंसर्ट सम शेप्स एंड राइट एडिशनल टेक्स्ट इन टू द शेप्स, एक शेप एड कर दीजिए, मैंने स्क्वायर बॉक्स एड किया है और उसमें टेक्स्ट लिख दीजिए। अब इन चारों के आप क्वेश्चन लिख करके नीचे सॉल्यूशन में आंसर लिखते जाइए, 1 कैसे किया, 2 कैसे किया, 3 कैसे किया, 4 कैसे किया, तो ये सिंपली आप लिख सकते हैं। ऐसे हर एक क्वेश्चन में आपको करना है। क्वेश्चन 3 क्रिएट अ डॉक्यूमेंट ओ राइटर है, तो आशा रखता हूं कि आपको ये समझ में आया होगा। तो इस तरीके से आपको हर पर्टिकुलर में जाकर के करना है। देखिए यहाँ पे स्प्रेडशीट के क्वेश्चन है, तो इसके स्टेप्स लिखते जाइए जिस प्रकार से ऊपर मैंने एक्सप्लेन किया है। ये शेयर एंड रिव्यू स्प्रेडशीट मल्टीपल ऑपरेशन, उसके बाद है ओपन ऑफिस बेस प्रैक्टिकल जो है उसका, तो यहाँ पे लिस्ट पूरा खुल जाएगा, इसमें से आप कोई भी 5 कंसिडर करके कर सकते हैं। तो ये था आपका प्रैक्टिकल फाइल, यहाँ पे आपको लिंक मिलेगा, इस लिंक पे जाइए डाउनलोड कीजिए, सीधा आपको रेफरेंस वाला फाइल मिल जाएगा। तो ये प्रैक्टिकल फाइल है, यहाँ पे देखिए मैं आपको ओपन करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पे 2022-23 के लिए है, देखिए तो ये मैंने कुछ इस प्रकार किया है। तो आपको यहाँ पे देखिए पहले सॉल्यूशन, तो आउटपुट मैंने अटैच किया है, ऊपर क्वेश्चन लिखा है, उसके बाद ये इसके स्टेप्स है। तो इस प्रकार से आप स्टेप्स लिख सकते हैं। तो आई होप कि आपको क्लियर हो चुका होगा, मैंने जो यहाँ पे क्वेश्चन दिया है ऑलमोस्ट वैसा ही सॉल्यूशन आपको मिलेगा, कुछ एक दो अगर आगे पीछे है या चेंजेस है तो हो सकता है, बाकी तो ऑलमोस्ट सेम है। देखिए यहाँ पर भी एक पैराग्राफ टेक्स्ट और शेप बॉक्स लिया है, उसके बाद उसके स्टेप्स लिखे हैं, तो इस प्रकार से मिलेगा। देखिए ये टेम्पलेट बनाया है सर्टिफिकेट का, इस प्रकार ये है सॉल्यूशन, यहाँ पे टेम्पलेट किस तरीके से किया तो उसका स्क्रीनशॉट लगाया है। ये यह है यहाँ पे टेबल ऑफ कंटेंट्स का, तो मैंने जो टेबल ऑफ कंटेंट डाला उस हिसाब से आप कर सकते हैं। तो ये प्रैक्टिकल फाइल है, तो जाइए इसको डाउनलोड करिए और अपने हिसाब से जैसे आपके टीचर बताते हैं उस हिसाब से करिए। सो आई होप ये प्रैक्टिकल फाइल 2022-23 के लिए आपको काफी हेल्प करेगा। पसंद वीडियो आया है तो लाइक जरूर करिए, शेयर करिए, जितने भी क्लास 10 के स्टूडेंट्स हैं उन तक पहुंचा दीजिए, ताकि उनको हर एक को यहाँ पे प्रैक्टिकल फाइल सबमिट करना है तो उन सभी को यहाँ पे काम आएगा। और कमेंट करना ना भूले, कोई डाउट है, कोई क्वेरी है तो जरूर मैं सॉल्व करूंगा। चलिए थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, जय हिंद जय भारत।